हाय गाइस, स्मार्ट माइंड यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्नैपशॉट लेने के बारे में। विंडो 10 में हम किस तरह से स्क्रीनशॉट लेते हैं वो मैं आपको यहाँ पे दो मेथड बताने वाला हूँ, दो भी छोड़िए बल्कि तीन मेथड मैं आपको बताऊँगा और तीनों मेथड बहुत ही शानदार होंगे। देखिए, बाय डिफ़ॉल्ट यदि आपको पूरी स्क्रीन का आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो उसके लिए कीबोर्ड पर आपको एक FN की और साथ ही एक प्रिंट स्क्रीन की मिल जाती है। आपको लैपटॉप में FN की के साथ प्रिंट स्क्रीन की को क्लिक करना है तो आपके जो भी विंडो आप पूरी विंडो का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं पूरी विंडो का स्क्रीनशॉट आ जाएगा। लेकिन अगर आपको पूरी विंडो का स्क्रीनशॉट नहीं चाहिए, कुछ कस्टम एरिया आपको चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे। देखिए, उसके लिए मैं आपको दो सॉफ्टवेयर बताने वाला हूँ। पहला सॉफ्टवेयर विंडो 10 में प्री इंस्टॉल होता है और दूसरा सॉफ्टवेयर मैं आपको बताऊँगा मैं कौन सा यूज़ करता हूँ। तो देखिए, अगर आप विंडो 10 का यूज़ कर रहे हैं तो आपको कोई भी सॉफ्टवेयर डालने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर सर्च बॉक्स में लिखिए स्निपिंग टूल। जैसे आप लिखेंगे तो देखिए इस तरह का आइकन है इसका, ठीक है। मैं इसको भी काम करता हूँ डेस्कटॉप या फिर टास्क बार में ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए, मैं नीचे ले लिया इसको, ठीक है। आपको ये फ्री मिलता है विंडो 10 में, इसमें आपको अलग से कोई सॉफ्टवेयर डालने की ज़रूरत नहीं होती है। अब देखिए, यहाँ पे जैसे ही आप स्निपिंग टूल चलाएंगे तो इसकी छोटी सी विंडो ऐसे दिखाई देगी। आपको जब भी कोई नया स्क्रीनशॉट लेना हो तो यहाँ न्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे आप न्यू पर क्लिक करेंगे तो ये रेक्टेंगुलर शेप में आ जाएगा। आपको जो भी एरिया चाहिए आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है रेक्टेंगुलर शेप में। जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए ये आपका स्क्रीनशॉट आ गया है। इसको सेव करने के लिए आपको यहाँ पर बटन मिल जाता है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आप सेव करना चाहते हैं, मान लीजिए डेस्कटॉप पर सेव करना है और इसका नाम क्या देना है, मान लीजिए जो भी नाम आपको देना है वो नाम दे दीजिए। उसके बाद आपको किस फॉर्मेट में इसको सेव करना है, नीचे आपको कई फॉर्मेट मिल जाती है, PNG है, GIF है, JPG है या फिर HTML भी है। तो अभी हम PNG में सेव करेंगे और इसको सेव कर लेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं ये आपका आ गया स्क्रीनशॉट, ठीक है, ये स्क्रीनशॉट आ गया। अब इसी तरह से अगर आपको कुछ दूसरा लेना हो तो उसके लिए आप न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक साइड में ड्रॉप डाउन मेनू है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये है फ्री फॉर्म स्निप। अगर आप इसको चूज़ कर लेंगे तो देखिए एक कैंची टाइप की आ जाएगी। तो इसमें आपको रेक्टेंगुलर नहीं बल्कि जैसा एरिया आप चाहें वैसा आप यहाँ से क्रॉप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पर ये वाला एरिया क्रॉप करना है तो आपको यहाँ पर लेफ्ट बटन प्रेस करके और इसको ऐसे मूव करना है, ऐसे जैसे कोई पेन चला रहे हैं, है ना, और आपको छोड़ देना है। तो देखिए आप यहाँ पे देखेंगे जो एरिया आपने सिलेक्ट किया है जिस भी शेप में किया है वो यहाँ पे आपका स्क्रीनशॉट आ गया है। सेव करने का प्रोसेस सेम है, आपको सेव कर लेना है, ठीक है, छोड़िए। नया स्क्रीनशॉट लेने के लिए फिर से न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेनू है, यहाँ पर रेक्टेंगुलर शेप जो अभी हमने यूज़ किया था रेक्टेंगुलर, ये ठीक है, इस तरह का। इसको कैंसिल कर लेते हैं, दोबारा करते हैं। अब देखिए तीसरा ऑप्शन हमें यहाँ पर मिल जाता है विंडो स्निप, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो जो विंडो एक्टिव होगी वही विंडो पूरी सिलेक्ट हो जाएगी, आप देख सकते हैं रेड कलर में, ठीक है, ये देखिए। अब इसी तरह से मैं और करता हूँ, यहाँ पे मैं अब की बार दोबारा लेता हूँ इसको और यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए फुल स्क्रीन स्निप। अब यदि आपको पूरी स्क्रीन का लेना हो तो आप यहाँ पर क्लिक कर दिए, पूरी स्क्रीन का यहाँ पर स्क्रीनशॉट आ चुका है, आप इसको सेव कर सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। तो ये तो है बिल्कुल फ्री टूल जो विंडो 10 में आपको प्री इंस्टॉल मिलता है, ठीक है। इसमें आपको कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब देखिए एक जो सॉफ्टवेयर मैं यूज़ करता हूँ इसका नाम है स्नैपशॉट। देखिए यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, ये मेरा सॉफ्टवेयर है, इसका नाम आप पढ़ सकते हैं स्नैपक्रैप फॉर विंडोज़। मैं इसका यूज़ करता हूँ, आप यहाँ पे देखिए इसकी विंडो कुछ इस तरह की होती है। इसमें पूरी विंडो को स्क्रीनशॉट लेने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करते हैं या फिर कस्टम विंडो के लिए इसको क्लिक करते हैं। पूरी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेने के लिए ये आपको ऑप्शन मिल जाता है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए आपके सिस्टम की जो पूरी विंडो का स्क्रीनशॉट आप ले पाएंगे। देखिए आपको दिखा देता हूँ मैं, ये देखिए यहाँ पे सेकंड्स चलेंगे और आपकी पूरी विंडो का स्क्रीनशॉट आ चुका है। यहाँ पे देखिए ये आपकी पूरी विंडो का स्क्रीनशॉट आ गया है, ठीक है। अब देखिए अगर आपको कस्टम लेना हो, जैसे हमने अभी स्निप टूल में किया, यहाँ पे मिल जाता है आपको ये वाला ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जो आपको जो भी रेक्टेंगुलर एरिया चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं, क्लिक करेंगे देखिए ये आ गया, ओके। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, स्निपिंग टूल और स्नैपक्रैप दोनों सॉफ्टवेयर में कुछ फ़र्क है, क्योंकि स्निपिंग टूल क्या करता है कैंची से किसी भी शेप में आपको पिक्चर प्रोवाइड कर देता है, बट ये नहीं करता है। यहाँ पे आप रेक्टेंगुलर शेप में ही स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पूरी स्क्रीन का, या फिर अगर कस्टम स्क्रीन भी चाहिए तो उसके लिए आपको रेक्टेंगुलर शेप ही मिलती है, ना कि आपको कोई अदर शेप मिलती है। इन दोनों में फ़र्क ये है। अगर आपको स्नैपक्रैप का भी यूज़ करना है तो आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, वहाँ पर क्लिक करके आप इस सॉफ्टवेयर को भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए दो तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। पहला तरीका स्निपिंग टूल जो विंडो 10 का प्री इंस्टॉल आपको मिल जाता है, फ्री मिल जाता है, और जैसे आप विंडो 10 को इंस्टॉल करते हैं तो विंडो 10 में ही पहले से इंस्टॉल होता है,
ठीक है। दूसरा स्नैपक्रैप है, स्नैपक्रैप का मैंने लिंक दे दिया है, आप स्नैपक्रैप का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि स्नैपक्रैप ओनली रेक्टेंगुलर बेस पर काम करता है, ना कि किसी अदर शेप पर, ठीक है। और तीसरा जो लास्ट वाला है वो है आपका कीबोर्ड की तरफ से। अगर आपको पूरी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेना हो तो उसके लिए आपको जो आपका लैपटॉप है उसकी जो कीपैड है वहाँ पे आपको एक FN की मिलती है। FN की के साथ आपको एक प्रिंट स्क्रीन का बटन मिलता है। प्रिंट स्क्रीन का बटन आपका नंबर लॉक के ऊपर होता है, नंबर लॉक के आसपास होता है, सिंपल कीबोर्ड में नंबर लॉक के आसपास, और अगर लैपटॉप की बात करें तो लगभग नंबर लॉक के ऊपर मिलता है, ठीक है। तो आप उसका यूज़ करके भी पूरी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए, तीन तरीके मैंने आपको बता दिए स्क्रीनशॉट लेने के। आई होप ये क्लियरली आपको समझ में आ गए होंगे, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।